से वो कौन सा ड्रग है जिसको हम एनर्जेसिक और सेडेटिव कहते हैं? तो शाबाश, वो कौन सा ड्रग है जो एनर्जेसिक और सेडेटिव कहलाता है? शाबाश, तो इसमें आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, हीरोइन। हीरोइन क्या करते हैं? शाबाश, ब्लॉक इंपल्सिस बिटवीन न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के दर सबक है, ये न्यूरॉन्स के दरमियान इंपल्सिस ब्लॉक करते हैं, और अगर इंपल्सिस नहीं जाएंगे तो क्या आपको पेन फील होगा? अक्सर जब हमें नशा देते हैं तो उसमें ये हीरोइन का इस्तेमाल होता है, और हीरोइन का इस्तेमाल कौन से फॉर्म में होता है? प्लीज, मॉर्फिन के फॉर्म में। मॉर्फिन, शाबाश, डाया मॉर्फिन या डाया असिटाइल मॉर्फिन, इन तमाम फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया में, और ये क्या करते हैं? इंपल्सिस ब्लॉक करते हैं, और मैं कह सकता हूं कि ये एनर्जेटिक या सेडेटिव कहलाता है। हाँ, अब अगर एमसीक्यू में इस तरह आए ड्रग, एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट, ड्रग विच इट इज अ डिप्रेसर एजेडेश, वो कौन सा ड्रग है जो हम एज अ डिप्रेसेंट इस्तेमाल करते हैं? डिप्रेसेंट, तो प्लीज जवाब क्या होगा? आंसर इज अल्कोहल। अल्कोहल आर डिप्रेसेंट इन नेचर। क्या है ये? डिप्रेसेंट इन नेचर है, मतलब क्या है इसका? डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर लेवल इन बॉडी, और खासकर ये कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को कम करता है? सेरोटोनिन। किसको? सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन जब कम हो जाता है तो इंपल्सिस स्लो हो जाते हैं, और जब इंपल्सिस स्लो हो जाते हैं तो बंदा डिप्रेस हो जाता है, फैसला करने का जो सलाहियत है वो इसमें कम हो जाता है, मतलब जो ब्रेन कैपेसिटी है वो स्लो हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये बंदा डिप्रेस हुआ है। अब वो दो दर्शन है सर, अभी वो कहते हैं कि आप अगर चेक करें तो आपको खबर ही मिलती है बंदा डिप्रेस हुए है, तो प्लीज ड्रग्स विच एक किसी डिप्रेशन स्टेज, तो आंसर क्या होगा? अल्कोहल। अब अगर ये आए कि ड्रग्स विच एक्ट एज Which drugs which act as shabash nerve stimulant are these? वो कौन से ड्रग्स है जिसको हम नर्व स्टेमुलेंट कहते हैं, मतलब ये सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज करेंगे, मैसेजेस इंपल्सिस को तेज करेंगे, हमें एक्टिव बनाएंगे। शाबाश, तो प्लीज इसका आंसर होगा निकोटीन। क्या होगा? निकोटीन क्या करता है? अक्सर आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं।